नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे फास्टनर्स के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द लार्जेस्ट एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड इज कॉल्ड द यानी जो हमारा लार्जेस्ट डायमीटर होता है स्क्रू थ्रेड का उसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शन ए आउटसाइड डायमीटर ऑप्शन बी इनसाइड डायमीटर ऑप्शन सी मेजर डायमीटर या ऑप्शन डी माइनर डायमीटर तो हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं मेजर डायमीटर यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड इज कॉल्ड द यानी उसमें हमारा लार्जेस्ट डायमीटर पूछा था इसमें कौन सा डायमीटर पूछा है स्मॉलेस्ट ऑप्शन ए आउटसाइड डायमीटर ऑप्शन बी इनसाइड डायमीटर ऑप्शन सी मेजर डायमीटर या ऑप्शन डी माइनर डायामीटर तो हमारा जो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ऑप्शन डी में हमारा माइनर डायामीटर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है द डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड दैट डिटरमाइंस टू फिट और टोलेंस बिटवीन मेटिंग थ्रेड्स इज द यानी जो हमारा डायमीटर होता है होता है स्क्रू थ्रेड का तो जब हम उसको डिटरमाइन करते हैं तो फिट और टोलेंस यानी उनके जो बीच का मेटिंग थ्रेड इज़ इजा यानी हम जब उनको मेट करते हैं यानी जोड़ते हैं तो उसके जो बीच का डायमीटर तो तो उसे क्या बोलते हैं मेजर डाय माइनर डायामीटर पिच डायमीटर या फिर एक्चुअल आउटसाइड डाय तो इसमें हमारा सही आंसर है इसका पिच डायमीटर तो हम उसको क्या बोलते हैं पिच डायमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द कोरस्पोंडिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड द यानी इसका मतलब है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है किसी वन थ्रेड से कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट तक तो उसे हम क्या बोलते हैं लीड पिच ट्रेवल या गैप तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है उसे हम पिच बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू वे टू मेजर द पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी टू वे का मतलब है कि जैसे जो दो, दो तरफ से हम उसको मेजर कर सकते हैं उस द पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी जो पिच होती है स्क्रू थ्रेड की उसे हम क्या बोलते हैं विद ए प्लेन द माइक्रोमीटर एंड ए स्क्रू पिच गेज बोलते हैं या फिर विद डिवाइडर्स एंड ए माइक्रोमीटर ऑप्शन सी विद ए रूल एंड ए प्लेन माइक्रोमीटर या फिर विद ए स्क्रू पिच गेज एंड ए रूल तो इसका सही आंसर है तो इस क्वेश्चन का मतलब है टू वेज टू मेजर द पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड्स आर यानी उसका कहने का मतलब यह है कि जब हम दो तरीके से अगर हम मेजर करें पिच को पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड यानी स्क्रू थ्रेड की पिच को तो हम किससे करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विद ए स्क्रू पिच गेज एंड ए रूल नेक्स्ट क्वेश्चन विच आइसोमेट्रिक थ्रेड इज कॉमनली यूज ऑन मेट्रिक मीट्रिक फास्टनर्स यानी जो आइसोमेट्रिक थ्रेड होती है उसको हम जो कॉमनली यूज करते हैं तो उसके लिए कौन सा फास्टनर्स यूज करते हैं कोर्स पिच के लिए फाइन पिच कॉन्स्टेंट पिच या वेरिएबल पिच तो इसका सही आंसर है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए ए इसका सही आंसर है उसे हम कोर्स पिच बोलते हैं यानी जो क्वेश्चन है इसका मतलब विच आइसोमेट्रिक थ्रेड इज कॉमनली यूज ऑन मीट्रिक फास्टनर्स यानी कौन से आइसोमेट्रिक थ्रेड जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं मीट्रिक फास्टनर्स में तो उसके लिए है कोर्स पिच नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर आइसोमेट्रिक थ्रेड्स डेजिग्नेटेड ऑन वर्किंग ड्रॉइंग्स यानी हम आइसोमेट्रिक थ्रेड को जैग, आ, कैसे यूज करते हैं ऑन वर्किंग ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग में कैसे यूज़ करते हैं आइसोमेट्रिक थ्रेड को ऑप्शन ए विद द लेटर आई एस ओ यानी आईस या फिर विद द लेटर एल या फिर ऑप्शन सी विद द लेटर एम या फिर ऑप्शन डी विद द लेटर स्मॉल एम इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है क्योंकि जहां पे भी हम यूज करते हैं मीट्रिक थ्रेड तो हम क्या करते हैं उसमें विद द लेटर एम हम उस एम से उसको शो करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द सेल्फ टैपिंग स्क्रूज यूज फॉर यानी हम सेल्फ टैपिंग स्क्रू कहाँ यूज करते हैं ऑप्शन ए दे आर डेजिग्नेटेड टू कट देयर ओन थ्रेडिट होल्स इन हार्ड मटेरियल यानी क्या जब जहाँ पे हम इसको यूज करते हैं तो वहां पे हम जो ओ, थ्रेड्स होते हैं मतलब जो होल्स हैं वो पहले से कटे होते हैं इन हार्ड मटेरियल्स में या फिर टू मेक डोर्स एंड फर्नीचर क्या वहाँ पे डोर्स और फर्नीचर होता है ऑप्शन सी द स्क्रू एंड आर द आर टू प्रोटेक्ट द नेल क्या वहाँ पे हम स्क्रू स्क्रू uh, होती है वहाँ पे स्क्रू थ्रेड होती है या फिर ऑप्शन डी सेल्फ टैपिंग स्क्रूज आर यूज टू गो ओवर वीकर स्क्रूज यानी क्या हम सेल्फ क्या हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि जहां पे ओवर वीकर स्क्रूज यानी जहां पे वीकर स्क्रूज होते हैं तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दे आर डेजिग्नेटेड टू कट देर ओन थ्रेडेड होल्स इन हार्ड मटेरियल्स नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमारा सॉरी क्वेश्चन हमारा फिगर ब्लोज सोज यानी जो ये फिगर है ये वाला ये क्या है ऑप्शन ए टैप ऑप्शन बी नट ऑप्शन सी स्प्लिट डाई या ऑप्शन डी वाशर तो ये ये क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ये स्प्लिट डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा लिस्ट थ्री डिफरेंट स्क्रू थ्री स्क्रू हेड्स यानी जो हमारे तीन डिफरेंट स्क्रू हेड्स होते हैं उनमें कौन कौन से हैं ऑप्शन ए क्रॉश काउंटरसंक एंड स्लॉटेड राउंड एंड स्लॉटेड या फिर ऑप्शन बी काउंटर शंक एंड स्लॉटेड क्रॉस एंड स्प्लिट डाई ऑप्शन सी शेंक क्लच ड्राइव या क्रॉस ऑप्शन डी टॉर्क्स राउंड एंड स्लॉटेड या स्प्लिट डाई तो इसके लिए जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्रॉस काउंटर शंक एंड स्लॉटेड राउंड एंड स्लॉटेड ये हमारे थ्री डिफरेंट स्क्रू हेड्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एज़ यूज टू प्रिवेंट ए व्हील और पुल्ली फ्रॉम रोटेटिंग साफ्ट यानी इसका आ, मतलब ये है कि इन ऑप्शन में से हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं कि जो प्रिवेंट करता है व्हील को और पुली फ्रॉम रोटेटिंग साफ़्ट यानी जहाँ पे हम उसको आ, किसी भी चीज़ को रोकते हैं व्हील को या पुली को जो कि रोटेटिंग साफ्ट यानी घूमती हुई साफ्ट पे होती है ऑप्शन ए की ऑप्शन बी वाशर ऑप्शन सी रिविट या फिर ऑप्शन डी नट तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए की की से हम व्हील को रोकते हैं या पुली को रोकते हैं रोटेटिंग साफ्ट यानी घूमती हुई साफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नट्स एंड बोल्ट्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट क्लैंपिंग प्रेशर ओवर ए लार्ज एरिया यानी नट और बोल्ट के लिए यानी इनका कहने का मतलब ये है कि नट और बोल्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूट करता है क्लैंपिंग प्रेशर ओवर ए लार्ज एरिया यानी कि जैसे हम नट और बोल्ट के साथ उसे यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि जो हमारा एरिया होता है उसको बड़ा करता है ऑप्शन ए रिविट्स या ऑप्शन बी क्वार्टर पिंस ऑप्शन सी कीज या ऑप्शन डी वाशर्स तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वॉशर्स क्योंकि नट बोल्ट में हम वाशर यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि जो उसका एरिया होता है वो बट जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बढ़ जाता नेक्स्ट क्वेश्चन ए थ्रेड ए इज थ्रेडेड ऑन द बोथ हैंड्स यानी इनमें ऐसे कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसके दोनों तरफ थ्रेड्स होती हैं चूड़ियाँ होती हैं कैप स्क्रू स्टड बोल्ट्स मशीन स्क्रू मशीन बोल्ट्स तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी स्टड बोल्स क्योंकि स्टड के दोनों तरफ बोथ हैंड्स दोनों तरफ क्या होती हैं थ्रेड होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वॉट टाइप्स ऑफ नट इज सोन बिलो यानी ये जो नट है ये कौन सा नट है ऑप्शन ए एक्रॉन ऑप्शन बी सेमी फिनिश्ड ऑप्शन सी स्लॉटेड या ऑप्शन डी विंग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये विंगनेट है क्योंकि विंगनेट का मतलब क्या होता है विंगनेट वहाँ पे यूज़ होता है कि जहां पे हम इसको हाथ से टाइट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हैक्सा हैक्सा में हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें कई बार उसको जैसे ब्लेड टूट जाने पर चेंज करना पड़ता है तो इसलिए वहाँ पर यूज होता है कि जहां पर हम हाथ से यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन what टाइप ऑफ नट इज shown बिलो यानी ये जो नट बना हुआ है कौन सा नट है एक सेमी finished, स्लॉटेड या विंग तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ये स्लॉटेड नट है ये